हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और मैं आपका भाई रवि, साथ में नारायण भाई, नमस्कार दोस्तों, बबलू भाई, नमस्कार दोस्तों, और साथ में आज लक्ष्मण भाई, नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने इस लोकेशन के बारे में हमको बताया है कि इस रोड पे दो खम्भे हैं, बिजली के खम्भे, जो हम अभी आपको विजिट करेंगे तो बताएंगे। हम बताते हैं कि कोई चक्कर है, कोई यहाँ आता है तो उसको ठोकर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर उसको नाइट को दिखते हैं, या फिर कुछ आवाज़ें आती हैं, बीमार पड़ जाता है, बीमार वगैरह हो जाता है, जो भी। तो हम देखते हैं दोस्तों आज ये रियल में कुछ है क्या नहीं है ऐसा, तो भी आपको विजिट करवाते हैं। अभी आपको बताया था हमने, ये एक रास्ता है और रास्ते पे बिजली का खम्भा है, दो बिजली के खम्भे हैं, और उसी खम्भे के पास अक्सर किसी को देखा जाता है यहाँ पे कि कोई है, रात को दिखता है, या फिर कोई भी आता है तो उसको चेंट जाता है, शरीर में जाता है। तो आज लक्ष्मण भाई हैं, इन्होंने हमको बताया था, तो जरा बताएं आप भी क्या हुआ था। ऐसा है दोस्तों, नमस्कार, कि ये घटनाएं अक्सर देखी गई है। इन घटनाओं की वजह से इन दोस्तों का चैनल है, इनको हमने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो ये आए हैं देखने के लिए। आज देखते हैं कैसा क्या होता है, बताएंगे ये दोस्त हमारे। तो यहाँ पे क्या किसी को कुछ हाँ, आते जाते हुआ एक लड़के को है ना ठोकर लग गई थी, तो वो 15-20 रोज में है ना जाके ठीक हुआ है। इसी लोकेशन, हाँ इसी लोकेशन पे, बस यही की घटना है। एक राधोगढ़ की प्रॉपर एक कोई लेडीज थी, उसको भी ना जाने क्या हो गया था, क्या चक्कर है ये तो पता नहीं है, लेकिन फिर ये मान लो कि 15-20 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, कोई कई कारण हो जाते हैं उसको। दोस्तों कैटू मीटर भी ऑन कर लेते हैं आज हम। और लक्ष्मण भाई, क्या कभी ये घटना आपके साथ में घटी है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं घटी आज तक। आपके गांव वालों के साथ में? गांव वालों के साथ में भी शायद एकाद के साथ हुआ है कुछ। अच्छा, तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी ठंडे का मौसम भी है आज से, तो ठंड भी लग रही है, अब दिन है, तो आओ आगे देखते हैं दोस्तों। चलो, ये वो गांव में जाने का रास्ता है, मेन रास्ता जिससे निकल रहे हैं। गांव में दोस्तों नहर भी है, पानी आता है यहाँ से, और ये दोनों तरफ खेत लगे हुए हैं। और हम जहाँ आए थे इससे पहले, इधर शायद कुत्ते भूख रहे थे या फिर रो रहे थे, ऐसी आवाजें भी आ रही थी। और हमारा मीटर भी ऑन है आज, तो देखते हैं मीटर पर भी कुछ आता है तो लाइन मांगेंगे। ये देखा ना नरन भाई, दोस्तों ये ही वो जगह है, ये दो खम्भे, यही वो खम्भे है दोस्तों। यहाँ के बारे में अक्सर लोग बताते हैं कि यहाँ पे कुछ दिखता है, एक्टिविटीज फील होती है लोगों को। ये वो खम्भे है दोनों, लाइट के खम्भे, इसके पास हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी फील होती है, कुछ शेडो टाइप का दिखता है, स्पीड दिखती है। तो रियल है क्या नहीं है, इसी का आज हम इन्वेस्टिगेशन करने आए, जो होगा वो देखा जाएगा, देखते हैं और इसे देख लेंगे। अपन जब आए थे जब आवाजें आ रही थी, नहीं नहीं आप, हम दोनों, तुमने गाड़ी आगे, आप तो आए नहीं थे, इधर से बोलते ही रोने की आवाज आ रही थी। ये देखो फिर आवाज आई है, आगे तक दिखाते हैं आप। हाँ चलो, और ये दोस्तों अंदर किसी के खेत है, जो तार फेंसिंग हो रही है, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते, और बाकी अंदर का तो कुछ सुनाया भी नहीं, बस रोड का सुनाया था इसी रास्ते का, देखते हैं आज। दोस्तों दोनों साथ खेत, दोनों साइड खेत हैं, दोनों साइड तार पेंचिंग हो रही है। नहीं, हम जब भी आए थे ना तभी हमने गाड़ी रोकी थी, तब भी आवाज आई थी, आवाज तो लगातार आ रही थी। क्यों, इसी बीच में रहता क्या आगे तक कुछ? नहीं, बस यही की आसपास की मान के चलो, मतलब जो भी घटना घटती है वो इतनी जगह में घट जाती है। दोस्तों हम यहाँ अपना ज्यादा से ज्यादा समय निकालेंगे और फिर देखते हैं, अगर कुछ हमको एक्टिविटी फील होती है, या फिर K2 मीटर में रिकॉर्ड होता है, या फिर कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड होता है। हाँ चालीस ठीक है,
हाँ रोने की आवाज आ रही। देखो हमने ये सुना है यहाँ पे कि आप जब कोई भी हो इन खम्भे के पास या खेत में या फिर यार ये तो अगर यहाँ आप कोई भी हो जो आप किसी को दिखते हो परेशान करते हो, सुना है आपके बारे में कि आप यहाँ किसी को दिख जाते हो ठोकर दे देते हो परेशान करते हो, अगर ऐसा कुछ भी हो तो हम आपको देखने आए, महसूस करने आए, फील करने आए। अगर आप जहाँ हो तो हमारे सामने आओ, हम चारों के अलावा कोई भी एक्टिविटी अगर कुछ भी यह चीज हो तो अपने सामने आए या फिर इस मीटर पे अपना साइन देके बताएं कि आप जहाँ हो। कहते हैं कुत्ते रोते हैं तब कुत्ते के लिए कुछ नजर आता है, शायद दिखता है, ऐसा सुनने में आया जब कुत्ते रोते हैं ना। देखिए यहाँ पे जो भी हो, आप कोई भी हो, आपके साथ में क्या घटना घटी है तो आप एक बार हमारे सामने आए ताकि हमारे दर्शक भी आपको देख सकें, और या फिर हमारे मीटर पर आपके होने का संकेत दें। आप किसी भी रूप में आ सकते हो। कुत्ते रो रहा है इधर तो भयंकर। अगर आप हम चारों के अलावा या कोई भी हो, अगर कोई अच्छी शक्ति हो, बुरी शक्ति हो, बुरी आत्मा हो, अच्छी आत्मा हो, जो भी हो, तो आप हमारे सामने आओ किसी भी शक्ल में, किसी भी रूप में, या हमारे मीटर में आप अपने यहाँ होने का संकेत दें। अगर आप यहाँ कोई भी हो तो इसमें एक बत्ती, दो बत्ती, तीन बत्ती, जितनी आप जला सकते जला के बताएं। थोड़ा और आ गया कभी। कुछ ज्यादा ही रो रहे हैं यार। इस कुत्ते के पास ही चले। हाँ यार, वही तो काफी दूर भी आवाज आ रही है इस कुत्ते की। आसपास कोई घर भी नहीं है, कोई बोर नहीं है, खेत वगैरह ही है। वो क्या होता है कि दूसरी चीजें होती तो है, लगता है कि वो उन चीजों को परेशान, मतलब जहाँ से कोई निकल रहा हो उसको परेशान कर दिया हो या उस चीज उसको दिख गई हो। और अक्सर ऐसा भी होता है, नहीं कि अपन कोई दिखे वो चीज, ये जरूरी नहीं कि वो चीज हर किसी को दिखे ना। लेकिन बाकी यहाँ कुछ है ये तो स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं है कि अफवाह हो, यहाँ कुछ है वो तो स्पष्ट है, क्योंकि चार छह कांड हो चुकी है। इनकी संख्या सिग्नल दे रही हो ना दे, नहीं इनकी संख्या मुझे बताई, कुत्ते रो रहे हैं। जहाँ भी हम जाते हैं ना कुत्ते को आवाज पहले आती है। देखो मैं फिर पूछ रहा हूँ कि हम चारों के अलावा अगर जहाँ कोई भी हो हमारे आसपास तो आप हमारे सामने आओ, या फिर इस मीटर पे आप एक बत्ती दो बत्ती अपने साइन दे के बताएं, आप दे सकते हो। अच्छा वीडियो शूट से पहले दो तीन बार आवाज आई तो आई थी अपन लोगों के लिए, अजीब सी आवाज आई थी। आई थी भाई, भाई आई थी ना, लेकिन अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मतलब अपन दूर चली गई हो, और वापस पीछे चलते हैं। लगते लगातार कुत्तों की रोने की आवाज आ रही है, लेकिन कुछ भी ऐसा फील हो नहीं रहा है कि हमने बुलाने की कोशिश भी की कि जो भी हो सामने आए मीटर पे साइन दे, लेकिन मीटर पे साइन नहीं दे रहा, लेकिन लगातार अभी भी कुत्ते भूख रहे हैं, रो रहे हैं। अगर रिकॉर्ड हो रहा हो ये इधर भी भूखने लगे। देखना अंदर अंदर उतरने का रास्ता देखोगे। नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खेत में जाने में।
देखो दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम कहीं भी जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लगता, तो अपना काम है वहाँ उस जगह पे जाके समय बिताना, समय काटना। अगर ऐसा कुछ भी है जो सामने आए कुछ फील हुआ ना रहा नहीं आज तक आए थे मतलब जब लोग तब फील हुआ था कोई इनकी थोड़ी आवाज आई है। अपन ने आगे गाड़ी रोकी थी ना तब लगा था कोई आवाज को आवाज आ रही इधर से उधर से प्रॉब्लम आई थी ना आवाज तो आई थी ये तो बात सही है लेकिन अब एकदम शांत माहौल हो गया। मेरा कहा थोड़ा गला खराब है इसलिए सही से आवाज आ नहीं रही। दोस्तों जी वो तो खम्भे है ये वो खम्भे जिसके बारे में बताते हैं कि इन खम्भों के पास कोई आता नहीं रात को और आता है तो उसके मतलब किसी किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है लेकिन अभी तक तो हम बहुत समय से यहाँ खड़े हैं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। और मैं तो उससे बोल रहा हूँ अगर यहाँ कोई भी होगा ऐसा करता है तो भाई तू आ और कर सामने अगर यहाँ है कोई तो हमारे इस मीटर पे साइन दो जो हम लक्ष्मण भाई आज को सो रहे थे ड्यूटी से आए थे अभी हमने उनको बुलाया नहीं घर तो वो और आगे और तो यहीं से भूख रहे कहीं से घर तो बहुत दूर है घर है कहाँ पे बल्ब लगी हुई है वो टपरिया बनी है वो लास्ट में वाला जल रहा थोड़े धपक रहा है वो वाला रहता कोई नहीं है। अच्छा कोई फसल के टाइम रहते होंगे हाँ फसल के टाइम रहते हैं कुत्ते की रोने की आवाज अब हमको मालूम खुद तक कहाँ रो रहा है पड़ेगा पुलिस चौदह से चलो और आगे बात है देखते हैं ऐसे अपने गाड़ी रोकी थी कोई सिग्नल नहीं अभी तक लग भी नहीं रहा है क्या है कई जगह ना कोई सिग्नल आती नहीं है हरकत बहुत होती है ये ऐसा लग भी नहीं रहा कि यहाँ कुछ है या फिर कुछ होगा। हाँ खैर आपकी बात सत्य है यहाँ कुछ ना कुछ होगा क्योंकि ऑटोमेटिक आदमी तबीयत खराब हो जाना ढोकर लग जाना ये तो कम बात नहीं है क्योंकि अपन भी अपनी कोई एक्सीडेंट हो जाना अक्सर दो एक्सीडेंट हो गए यहाँ ये सब कुछ तो होता है लेकिन वो इसीलिए तो आपको बताया गया मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए इस बात को लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी कुछ अपने कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है इस बारे में अपन क्या कह सकते हैं तो ये मानते हैं जो कुछ भी हो अगर रहना चाहता तो है लेकिन किसी को परेशान ना करे ना। हाँ वो देखो फिर आवाज आई है कुछ गिरा हो हाँ नारा ना कुछ गिरा हो गाड़ी नहीं गई अपनी अपनी गाड़ी नहीं गिरा रही गाड़ी पीछे रखी है मुझे पता नहीं गाड़ी आगे के पीछे है तो जिसकी जगह है वो आराम से रहे लेकिन आदमी को परेशान ना करे कोई भी इधर से निकलता है तो उसको ना धक्का दे ना एक्सीडेंट करे क्योंकि ये आम रास्ता है पब्लिक का आना जाने का रास्ता है आना जाना का पब्लिक आएगी भी जाएगी भी। दोस्तों हमने काफी समय यहाँ बिताया है लेकिन जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी है ऐसा तो हम कुछ भी फील नहीं हुआ और लक्ष्मण भैया भी हमारे साथ में आए हैं इनको भी ऐसा भी कुछ फील नहीं हुआ है जैसा कि ये बता रहे थे कुछ हुआ ना नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक तो यार पहले देखने में ऐसा लग रहा था और ये जानना बहुत जरूरी था
कि ऐसा कुछ हो जिससे हमको पता लगे गांव वालों की वास्तव में यहाँ कुछ है या नहीं है, तो ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया। बाकी पहले लोगों के दिलों में दहशत थी कि रात को निकलना या फिर अकेले निकलना, इन सब बातों के बारे में सोचते थे कि निकलना चाहिए कि नहीं, लेकिन आज ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों हमारा भी यही मकसद है, हम इसे वीडियो बनाते हैं इसलिए कि आपके दिल दिमाग से उस जगह का, उस जगह के बारे में आपको रियल पता चले कि वहाँ कुछ वाकई में है भी कि नहीं है, कि वाकई अफवाह उड़ाते हैं लोग बाग, और जो होता है हम वो ही बताते हैं आपको। तो यहाँ भी हम काफी समय रुके, बोलते हैं खम्भे के पास कुछ दिखता है, और ये भी सुना है कि यहाँ पे कोई आता है तो उसको 4-5 लोग घेर लेते हैं, कुछ सेडो वगैरह घेर लेती हैं, तो ऐसा हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा गाड़ियां भी गिर जाती हैं यहाँ पे, कई लोगों के साथ में हुआ है, चलती गाड़ियां गिर जाती हैं। जहाँ से जो भी निकलता है दोस्तों, तो उससे यही रिक्वेस्ट है कि बिना डरे निडरता के साथ निकला करें, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपका प्यार इसलिए हमको ऐसे ही मिलता रहे, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली लोकेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।